आपका क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या दिया है, ए क्यूब प्लस 8b³ प्लस 64 सी क्यूब माइनस 24 abc। ठीक है, जस्ट चेक करो इसके अंदर कितने वेरिएबल्स है, 1, 2 एंड 3, एंड फोर्थ वाले में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3, तीनों का कॉम्बिनेशन है ए बी एंड सी। ठीक है, तो हमारा एक क्यूब में एक आइडेंटिटी है, दैट आइडेंटिटी क्या है मैं लिख देता हूं, दैट इज हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इस फॉर्म में यह होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू, होता क्या है हमारा, हमारा होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है उसको स्प्लिट करके देखते हैं क्या है वो इस फॉर्म में है या नहीं, जस्ट वी विल राइट दैट ओनली। तो हमारा क्या है, x इज इक्वल टू हमने क्या लिया a, एंड y इज इक्वल टू क्या है, एक तो b है और 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब, तो क्या हो गया 2b, एंड z इज इक्वल टू एक तो c है, 64 किसका है, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, दैट मीन्स 4c। ठीक है, ये आ गया हमारा, अब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं सिर्फ ओनली लेफ्ट साइड में, तो हमारा क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 2b³ = 8b³ प्लस 4c³, तो कितना हो गया, 64c³। यहां तक तो सही है हमारा, लेकिन क्या ये भी सही है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 3 × क्या है, a इंटू 2b × 4c। नाउ अब हमको सिर्फ इतना ही चेक करना है फ्रॉम हियर टू हियर, तो क्या आएगा आपका देखते हैं, माइनस 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, ए बी एंड सी से, तो उसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, इसमें है, तो इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारी वैल्यू क्या आती है देखते हैं, तो हमारी वैल्यू आएगी सिर्फ राइट हैंड साइड का ही, अब सब्स्टिट्यूट करना है आपको लेफ्ट नो नीड, तो क्या होगा आपका, x प्लस वाई प्लस जेड, दैट मीन्स a प्लस 2b प्लस 4c इज फर्स्ट ब्रैकेट ओवर, नेक्स्ट x स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में, x स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 2b होल स्क्वायर, 2b होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज 4c होल स्क्वायर माइनस xy माइनस x एंड y, क्या हो गया 2ab, फिर माइनस yz y एंड z, तो हो गया माइनस 2 × 4 = 8 8bc माइनस xz तो 4ac माइनस 4ac। ठीक है, अब इसके वैल्यू हम इसके अंदर रखते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, लेट्स सी, हमारा आ जाएगा a प्लस 2b प्लस 4c, और यहां पर क्या है हमारा, a स्क्वायर प्लस
टू स्क्वायर इज फोर बी स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन सिक्सटीन सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस एट बी सी माइनस फोर ए सी. तो दीस आर द आवर फैक्टर्स फॉर दिस इक्वेशन. ठीक है.